जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ इस तरह के, वहां सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनसे मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो, पूरी ना सही, थोड़ी बहुत ठीक होती हो, राइट? कोई भी एक, दिस चैलेंज, इंटरनेशनली कहीं भी जाए ये तो सोचते रहते हैं, क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक होती है? नहीं नहीं कंट्रोल होती है, कंट्रोल होती है तो भाई वो दवाई बढ़ाते क्यों आप? क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक होती है? क्या ट्यूबरकुलोसिस की दवाई से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होती है? होता था लेकिन अब नहीं होता, नाउ इट इज रेजिस्टेंट, नाउ ऑल आर म्यूटेटेड। तो ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत 10% 2% ठीक होता हो, नहीं है। मेडिसिन और ड्रग्स कैन नॉट क्योर और इवन कंट्रोल एनी डिजीज एट ऑल। और अगर किसी को थोड़ा भी शक है तो आप ढूंढ के देख लो, लिटरेचर में नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो मेडिसिन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ड्रग्स इज आउट, मेडिसिन इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन, ड्रग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मेडिसिन का मतलब क्या, डिक्शनरी में देखेंगे, एनीथिंग विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट और टू क्योर ए डिजीज, दैट इज मेडिसिन। अब पैर हिला रही है, मेडिसिन है मेरा, क्योंकि इससे मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है, इट बिकम्स मेडिसिन। मेडिसिन डज नॉट मीन ड्रग, इट डज नॉट मीन केमिकल, राइट? सो मेडिसिन कैन बी ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ए गुड मेडिसिन। कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट हमारे पास आता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, डायलिसिस पे जा रहा है, उसको हम मेडिसिन देते हैं ग्रेविटी वाला।